ये भगवान का देह देवालय है, चलता फिरता मंदिर है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ईश्वर से सर्वभूतानाम हृदयेषे अर्जुन तिष्ठति। मैं सभी प्राणियों में ऐसे तो सब जगह हूँ, किंतु मैं हृदय में विशेष रूप से हूँ। इस शरीर में भगवान है। आप जो मंदिर बनाते हैं उस मंदिर में तो हमें भावना रखनी पड़ती है, यहाँ भगवान है, किंतु ये शरीर में तो चलते फिरते जागते जीते जागते भगवान विराजमान है। अब इसमें कुछ भी खाएंगे तो कब्रिस्तान बना रहे हैं आप। अरे अन्न खाएंगे तो उसमें चेतना है। जब आप कोई नट्स खाते हैं, मेवाएं खाते हैं, एक रात को भिगो देते हैं, तो उनमें चेतना की शक्ति आ जाती है, एक नया जीवन वो अपने अंदर को खोल देते हैं। उनको लगता है कि हम पृथ्वी में गए, अब हमारा नया जीवन होने वाला है। और जब आप उन्हें खाते हैं तो वो आपको अंदर एक नया चेतना, नई जीवन संचार शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन आप एक मुर्गा खाओगे तो, आप एक मछली खाओगे तो मरी हुई, इन चीजों को खाओगे तो एक मछली मरी हुई किसी दूसरी मछली को प्रकट नहीं कर सकती। कर सकती है, उससे मांस इत्यादि बनेगा, लेकिन अगर वो उनमें कोई बीमारी आई तो तुम में भी आ जाएगी। उनकी मानसिक स्थिति जो होगी उससे तुम्हारा भी मन बनेगा। इन चीजों को खाओगे तो ये कब्रिस्तान ही बना रहे हो। जीते जागते इस मंदिर को आपने कब्रिस्तान बना लिया कि इसमें गड़े मुर्दे गाड़ दिए, मरे हुए, उसमें चेतना नहीं मिल सकती। इसलिए कहा, भगवान ने सुंदर सृष्टि में सब कुछ खाने के लिए दिया है। कई तर्कजीवी ऐसा तर्क देते, लॉजिक देते, अरे इन सारी वस्तुओं अन्न इत्यादि में तो चेतना होती होती है, चेतना पर शून्य अवस्था में होती है, उन्हें खुद को नहीं पता होता कि उन्हें खाया जा रहा है। इतनी शून्य अवस्था में होती है कि उनको ये आभास नहीं है कि उनको कष्ट हो रहा है। और याद रखिए, जो चल रहा है, जो उड़ सकता है, जो अपने इमोशन भावनाएं व्यक्त कर सकता है, उन चीजों पर आप खा नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर पूर्ण चेतना है। बाकी जो अपना बचाव नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, ऐसे जीव जो है ये फल वृक्ष इत्यादि में लगने वाले फल सब्जियां अन्न इत्यादि ये सब चेतना है, क्योंकि इन्हीं से तुम्हें चेतना मिलती है। लेकिन ये शून्य अवस्था में है। एक गेहूं का दाना कभी फड़फड़ाएगा नहीं कि मुझे काहे को खा रहे हो, लेकिन एक मुर्गी को मारोगे ना महाराज, वो प्राण बचाने के लिए फड़फड़ाए, क्योंकि उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी संतान है, उसका भी परिवार है। जब हमारे परिवार का कोई एक बच्चा भी हमसे छीन लिया जाए ना, या छिन जाए, पत्नी छिन जाए, पुत्र छिन जाए, पति छिन जाए, तो हमसे देखा नहीं जाता। हम किसी का परिवार कैसे नष्ट कर सकते हैं, हम में मानवता है। इसलिए कुछ भी खा लेना अपनी मन मर्जी जिव्या के कारण, या अपराध करना, इन सब का हमें कर्म भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए चलते चलते सड़क में लोग भुन जाते हैं, चलती हुई गाड़ियों में आग लग जाती है और एक साथ दसों के दस जल गए, अचानक फैक्ट्रियों में आग लग गई और एक साथ 500 गए। ये क्या है? किसी ने उन्हें अपनी इच्छा से नहीं मारा है, कोई मंशा लगा के नहीं गया। और फिर हमको लगता है ये तो बहुत अधर्म हुआ, ये कैसे हो गया, कैसे हो गया। कर्म है, हमेशा आते हैं महाराज, भुगतने पड़ते हैं सबको। अगर हम मैंने किया है तो भुगतना पड़ेगा, आपसे हो गया भुगतने पड़ेंगे, अनायास हमसे हो गया। और फिर अगर हम अपने आप को बदल लें तो भगवान की कृपा से वो किए गए कर्म आएंगे, लेकिन आप पर प्रभावशाली नहीं बनेंगे, ये प्रभु कृपा करेंगे। किंतु अपने आप से किसी का भी अपराध, किसी को दुख मत दो।